अनुपमा सीरियल की कहानी में काव्या ने वनराज के घर को धोखे से अपने नाम में करवा लिया है। अब ऐसे में जब पूरे परिवार को इस सच के बारे में पता चलेगा और काव्या ये सच को बताएगी तो सीरियल में क्या कुछ ड्रामा होगा और सीरियल में वनराज क्या कुछ करता दिखेगा उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगी कैसे धीरे धीरे बा को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ वनराज का बा को लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अब वनराज को भी पता चल गया है कि बा ने उसके बापूजी के साथ क्या कुछ किया है। वहीं अब वनराज ने बा को भी घर से निकालने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब इस सीरियल की कहानी में अनुज बापूजी यानी मनसुख को वनराज के घर के सामने लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में वनराज ये फैसला लेता हुआ नजर आएगा कि उसके बापूजी और बा उसी घर में रहेंगे और वो और काव्या घर छोड़कर जाएंगे। और वनराज के इस फैसले के बाद काव्या अपना सच सभी को बताती नजर आने वाली है जहां वो सभी को बताएगी कि उसने घर को अपने नाम में करवा लिया है। और अब सीरियल की कहानी में देखेंगे कि काव्या के इस सच के बाद वनराज का सबसे ज्यादा गुस्सा काव्या पर देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा परिवार काव्या पर गुस्सा करता हुआ दिखने वाला है। लेकिन इस बार काव्या सभी को जवाब देती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि काव्या के इस फैसले के बाद वनराज कौन सा बड़ा फैसला लेता है। आपके हिसाब से काव्या के साथ क्या किया जाना चाहिए कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।